हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मार्केट में सेल कैसे बढ़ाएं। हर नए बंदों का या पुराने बंदों का भी ये जिक्र होता है कि मार्केट में सेल कैसे बढ़ाएं। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए सर, सेल कैसे बढ़ाया जाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मार्केट में अगर अपना सेल बढ़ाना हो तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे मार्केट में सेल बढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, मार्केट में सेल बढ़ाना बहुत ही ईजी है, बस आपको मार्केट को समझना होगा कि मार्केट क्या खोज रहा है, क्या ढूंढ रहा है, मार्केट को क्या चाहिए। क्योंकि मार्केट में सेल बढ़ाने के लिए पहले अपने आप को मार्केट के लायक बनाना पड़ता है। मार्केट को क्या मार्केट पसंद कर रहा है, उस हिसाब से आपको सेल बढ़ाना होता है। और सेल बढ़ाने का जो रीजन होता है वो आपके अंदर होता है। हर वक्त अगर आप सोचेंगे कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। अगर यदि आपको मार्केट में सेल बढ़ाना है अपना, तो आपको थोड़ा पाना भी होगा, थोड़ा खोना भी पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों का रीजन ये होता है, जितने भी अभी नए लोग काम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि हम खोना नहीं है, हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हमें पाने की चाहत है, खोने की नहीं। तो अगर यदि आप सिर्फ पाने की चाहत रखते हैं तो ये बहुत ही गलत है। ऐसे में मार्केट में आप सेल नहीं कर पाएंगे, सेल के आपका बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हमें हमेशा ज्यादा प्रॉफिट हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं कहीं आपको स्लो भी करना पड़ेगा, कहीं पे आप उसको हाई भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, मार्केट में जब भी आपको सेल के लिए प्रॉब्लम हो तो आप पहले अपने अंदर में देखिए कि हम क्या ले रहे हैं लोगों से और क्या दे रहे हैं लोगों को। जब भी आप लोग काम करते हैं तो आप लोग क्या अभी लोग यूज कर रहे हैं कि 100 जीएसएम को छोड़ के और 80 जीएसएम के माल बना रहे हैं, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी हो जाता है, लो क्वालिटी हो जाता है। लोग सिर्फ अपना बचत के लिए ऐसे कर रहे हैं। क्या करते हैं लोग कि सोचते हैं कि हम 80 का लेंगे, पतला पेपर होगा, ज्यादा माल निकलेगा और हम उसको फिर अच्छे से रेट पे बेच पाएंगे। लेकिन ये चीज गलत बात है। क्या होता है कि कोई भी अगर यदि माल खरीदता है तो वो पहले माल की जो क्वालिटी होता है वही चेक करता है। बेशक आप अभी नए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा सेल नहीं हो रहा है तो हम कुछ गलत काम कर लें, तो गलत काम करने से सेल नहीं बढ़ता है, मार्केट और खराब होता है। मार्केट वैल्यू बढ़ाना है, अगर मार्केट में आपका जो अपना वैल्यू है उसको आगे करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी और अपनी क्वांटिटी पे ध्यान रखना है। कभी भी आप किसी से कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, जब तक आपके पास में क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं होता है तब तक कंपेयर नहीं करोगे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 24 पीस का बोल के देते हैं उसमें 22-23 पीस ही होता है, उसमें 24 पीस नहीं होता है। इस तरह से जो आपका मार्केट वैल्यू बना होता है वो भी खराब हो जाता है और मार्केट में जो आपका कस्टमर होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो आपको पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका पैकिंग हो, आप रियल बात बता के माल दें अगला को, उसको बोल दे कि भाई मेरे पैकेट में इतना पीस होता है और ये हम प्राइस लेंगे। उसके बाद जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको 100 जीएसएम का माल यूज करना चाहिए, बेशक लोग कुछ भी कर रहा हो। अगर आप सब लोग जो काम कर रहे हो वही अगर काम आप भी करते हैं तो आपको और लोगों में क्या फर्क रहेगा। तो आप अपनी क्वालिटी ना खराब करें, इससे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू खराब होता है, मार्केट वाला समझ जाते हैं जो सब लोग कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से वो और भी लोगों को इग्नोर कर देते हैं और जो उनके पास पहले होता है वो उन्हीं के साथ अपना रिश्ता जोड़े रखते हैं। क्योंकि कोई चेंज होगा कब, कोई किसी को छोड़ेगा कब, जब उससे बेटर और कम पैसे में देगा उसे सामान तब। मान लो हम ही आपके पास गए और आप किसी से ले रहे हो ऑलरेडी सामान पहले से, और हम आपको अगर अपना सामान दिखाते हैं, हम बोलते हैं आप हमसे ले लो, तो कैसे लोगे। जब आपके पास जो मेरा सामान गया है वो औरों से अच्छा हो और उसे कम दाम पे हो तो ही आप मेरा माल लोगे, वरना वैसे आप नहीं लोगे। क्योंकि आप सोचोगे यार मेरा पहले से काम चल रहा है तो मैं क्यों किसी से लूं। तो इसीलिए अगर यदि आपको मार्केट में वैल्यू बढ़ाना है, मार्केट में आपको सेल बढ़ाना है, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको क्वांटिटी रखना है कि जितना पीस आप बताते हो उतना ही पीस रहना चाहिए। दूसरा आपको क्वालिटी देखना है, क्वालिटी रेट कम मिले लेकिन क्वालिटी नहीं बिगाड़ना है। अच्छा सामान देंगे तो हमारा आज नहीं सेल हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों जरूर होगा, कितना दिन नहीं होगा। अगर हम अच्छे सामान देंगे तो लोग जरूर पसंद करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो इसलिए सामान को खराब नहीं करना है, जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसको खराब नहीं करना है।
मार्केट के कंपटीशन चक्कर में, क्योंकि कंपटीशन सब दिन रहता है, कल भी है, आज भी है और कल भी रहेगा, तो इसलिए आपको वो चीज नहीं करना है। पहला हो गया आपका क्वालिटी, दूसरा हो गया क्वांटिटी, और तीसरा जो है वो वैल्यू, जुबान का वैल्यू। जैसे अगर यदि आप कभी भी किसी को भी जुबान देते हैं कि हम आपको इस टाइम पे माल दे देंगे, तो उस टाइम से 10 मिनट एक घंटा पहले उनके पास माल पहुंच जाना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा मार्केट में फर्क पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा कस्टमर जो है अपने पास आने का ज्यादा चांस होता है। क्योंकि कस्टमर को क्या लगता है, उसको ये लगता है कि उसको समय से पहले उसको माल मिल जाए, पैसा थोड़ा कम मिल जाए, क्वालिटी अच्छा मिल जाए। तो इन सारी चीजों को अगर आप देख के चलते हैं तो आपको मार्केट में सेल बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगा और आप अपना काम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में अगर आप कहीं ना कहीं छोट, कहीं ना कहीं अगर आप नुक्स निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं आप गद्दारी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, तो वो आपका मार्केट अगर आज बन भी गया हो तो कल खराब हो जाएगा, कल आपका मार्केट वो खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा। मेरे साथ इस सीजन में बहुत ऐसे लफड़े हुए, लेकिन हम अपना क्वालिटी चेंज नहीं किए, हम पार्टी से हाथ जोड़ लिए, उससे माफी मांग लिए, ये बोल के कि सर अगर आपको सस्ता में मिलता है माल तो आप ले लो, मेरे पास नहीं है। तो कोई कितना दिन सस्ता में देगा? मान लो कि अगर यदि वही सेम क्वालिटी, अगर आपका ये प्रश्न ये रहेगा कि सर हम 100 ही बनाते हैं और रेट भी कम रखते हैं, क्वालिटी भी अच्छा रखते हैं और टाइम पे माल भी देते हैं, तो भी मेरा माल नहीं बिकता है। तो नहीं बिकने का रीजन मान लो कि ठीक है, अगर आपका जो कंपटीटर है वो भी आपके जैसा ही सेम माल बना रहा हो और आपसे कम रेट में माल दे रहा हो और इस वजह से आपका माल नहीं बिक रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन अगला कम देगा? कोई अपने घर में कोई चीज नहीं करता है, सब लोग कहीं ना कहीं से माल खरीद करके ही लाते हैं और उसके ही माल बनाते हैं। इसके ऊपर एक और वीडियो हम देने वाले, क्यों लोगों का माल सस्ता होता है, किसी का महंगा होता है। किसी का जो होता है प्रोडक्ट वो सस्ता होता है, किसी का महंगा होता है, हम इस पे भी आपको वीडियो देने वाले, नेक्स्ट वीडियो वही आएगा कि क्यों आखिर लोग ऐसे होते हैं, जबकि दोनों का सेम क्वालिटी होता है, सेम चीज होता है, लेकिन रेट में क्यों डिफरेंस आ जाता है, इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो अगर इस तरह का वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर वो कमेंट्स करते हैं कोई एक वीडियो देख करके कि हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, उस तरह का वीडियो चाहिए। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर रखेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन हमेशा जाता रहेगा और आप देख के भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं होता है कि हम आपसे फोन पे बात करेंगे या फिर आप मेरे पास आओगे तो हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। नाइट में मेरे को समय मिलता है तो मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। तो ये चीज जो है आप लोगों के साथ अक्सर होता होगा कि प्रॉब्लम आती है कि हम भी वही चीज बना रहे हैं, हमारे कंपटीटर भी वही चीज बना रहा है, फिर भी वो सस्ता दे रहा है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे आप देखना, उसको मिल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। और अगर यदि वो दे भी रहा है तो कितना दिन देगा, बात हम ये कर रहे थे। आप उस पर सिर्फ ध्यान रखो कि कब उसका जो है वो दिक्कत होता है, कब उसका पार्टी के पास आप जाते रहो, कंटिन्यू जाओ, बेशक वो माल ले या ना ले, लेकिन उसके पास कम से कम एक बिजनेसमैन के हौसले से नहीं, बिजनेसमैन के नाते से नहीं, लेकिन एक कस्टमर के नाते से, बाय चांस जैसे हम लोग जिसको भी माल देते हैं वो कस्टमर जो होता है, परचून का दुकान होता है, राशन का दुकान होता है, आप लोगों के हर किसी के घर में वो चीज यूज होता है, तो अक्सर आप उस पार्टी के पास जाया करो सामान लेने के लिए जो आपसे नाराज पार्टी हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे अगर आप कुछ सामान लेते हैं तो उसको वहां पे भी फर्क पड़ सकता है, वहां पे उसको फर्क पड़ता है कि भाई जिससे हम माल लेते हैं आखिर उसके घर में तो वो चीज यूज होता है, वो मेरे पास नहीं आता, लेकिन ये बंदा मेरे पास आता है। तो उस वक्त भी अगर आप सामान लेते वक्त में अगर आप अपने सामान का जिक्र करते हैं कि आपको जो आइटम आता है आप हमसे ले लिया करो, हम आपको दे देंगे, अच्छे रेट पे दे देंगे, अच्छा क्वालिटी दे देंगे, समय से दे देंगे, तो उसमें भी आपका मार्केट बहुत बढ़ता है। आपका हर महीने में आप 2-3 बार मार्केट जाते होंगे अपने घरेलू सामान को लेने के लिए, तो महीने में 2-3 बार जाते हैं तो 2-3 कस्टमर के पास जाए ऐसे सामान लेने के लिए। जब भी उसके पास जाते हैं तो एक बार प्यार मोहब्बत से बातें कीजिए, उसको अपने बारे में बताइए कि ताकि उसका भी आपके प्रति विश्वास हो और वो आप पे ट्रस्ट करे जब भी वो आपसे काम करेगा। क्योंकि बहुत नए लोगों के साथ लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि लोग एक आध रोल ला करके मशीन चलाते हैं फिर समय पर उनको माल नहीं देते हैं, इसलिए लोग कस्टमर नहीं पुराना छोड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि कस्टमर मार्केट में कस्टमर किसी को क्यों नहीं बनता, नए बंदों को, यही कारण होता है नहीं बनने का कि लोग एक दो रोल माल लेके बनाते हैं और वो भी सीजन पे उनको काम नहीं देते हैं, वो फिर उनको छोड़ जाते हैं और फिर दोबारा वो जाते हैं तो उनसे माल नहीं लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, इसको आप लोग सुधार लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेल्स के बारे में समझ में आ गया होगा।
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब इस तरह के वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।